कानून व्यवस्था चल रही है अपराधों को रोकने के लिए उसके प्रति थोड़ा जागरूक करना चाहूंगी। मैं आपको बाल विवाह के बारे में थोड़ा बताना चाहूंगी। बाल विवाह प्रतिरोध अधिनियम जो 2006 में संशोधित करके नया लाया गया, उसमें 18 साल लड़कियों के लिए और 21 साल लड़कों के लिए बाल विवाह को रोक लगाई गई है। बाल विवाह करना 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के लिए, 21 साल से कम उम्र के लड़कों के लिए सही नहीं है। और बाल विवाह होने से क्या होता है, आपके सब दायित्व और राइट्स छीन लिए जाते हैं, आपको पढ़ाई से वंचित किया जाता है। और अगर आप कभी भी बाल विवाह होते देख रहे हैं उसकी आप कंप्लेन कर सकते हैं। कभी घर में कुछ ऐसा हो रहा है, किसी की जबरदस्ती बाल विवाह करवाई जा रही है, तो आप 1098 से या 1090 पे किसी पे भी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। इसके खिलाफ जुर्माना भी है, हमारे वहाँ जुर्माना है 2 साल की सजा और 1,00,000 रुपये फाइन हो सकता है जो बाल विवाह करवा रहे हैं, तथा उसमें कोई भी जो साथ दे रहा है उनको भी यह सजा का पात्र होंगे। जैसे कि कोई भी पुजारी उनका साथ देते हैं या कोई भी अन्य घर वाले, इसमें लड़कियां को सजा नहीं है, लड़कियां एक विक्टिम के रूप में देखी जाती हैं, लेकिन तब भी और लोगों के लिए सजा का प्रावधान बना हुआ है। और जिसके साथ भी ऐसा होता है या जिन महिलाओं के साथ भी दहेज प्रथा भी होती है, वह भी सही नहीं है। दहेज अगर आप किसी से जबरदस्ती लेते हैं, देते हैं, कोई भी उपहार शादी के लिए मांग करते हैं, वह भी एक जुर्माना है। उसके लिए भी हमारे पास दहेज प्रतिरोध अधिनियम है, जिसमें दहेज लेने पे, दहेज की मांग करने पे 6 महीने की सजा और 10,000 फाइन है, तथा दहेज जो लेते लेते हैं उनके खिलाफ कंप्लेन करने पे 5 साल की सजा है और 15,000 फाइन है। तो दहेज लेना देना तथा बाल विवाह करवाना दोनों ही अपराध है, इसको आप समझें। और अगर समाज में ऐसी हरकतें आप देखते हैं तो उसका आप लोग खुद जागरूक होंगे, खुद उसका खंडन करके खुद खड़े होंगे, तभी आपकी कोई हेल्प करेगा। जब तक आप खुद नहीं बोलेंगे तब तक कोई आपकी सहायता करने नहीं आने वाला है। तो आपसे यही है कि आप लोग थोड़ा जागरूक बनिए, उसके अगेंस्ट खड़े होइए। जहाँ भी आपको दिख रहा है अपने मम्मी पापा कुछ ऐसा करते हैं, तो आप लोग उनको बोलिए कि नहीं, अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ, आगे बढ़ना चाहती हूँ, तो आप सहायता लीजिए और लोगों की। थैंक यू।